गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और घर पे होंगे और परीक्षा की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी कुछ खास होने वाला है। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी बीकॉम की डेट शीट जारी करी, ठीक है, जिसमें टीचरों ने भी आपत्ति जताया, स्टूडेंट ने भी आपत्ति जताया, कहा भाई ये कौन सा हवा हवाई में आप नोटिफिकेशन जारी कर दे रहे हैं और एग्ज़ाम करा ले रहे हैं। इस पर यूनिवर्सिटी में आज हम लोगों से बात हुई तो हम लोगों को भी यही बताया गया कि हम इस डेट शीट को रिवाइज करेंगे, मतलब डेट चेंज होगा, ठीक है। यानी 1 तारीख वाली परीक्षा, 31 वाली परीक्षा, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटों में हम डेट शीट रिवाइज करेंगे। तो आपके डेट शीट क्या होंगे बदल सकते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो बदल सकता है, ठीक है। उन्होंने बस एक हिंट दिया था कि हाँ आपके डेट शीट रिवाइज करेंगे। बच्चों आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा, कई लोग बच्चे कह रहे थे कि भैया टाइम गलत है, तो टाइम के लिए मैंने तुरंत वो डेट शीट अपडेट करा दिया था बीकॉम में जो था, तो अब टाइम जो हो गया था 90 मिनट का हो गया है, ठीक है। और सबको पता होगा जो भी हमारा यूट्यूब चैनल हर दिन देखते होंगे, चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, तो उनको सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न में कोई असुविधा नहीं होती होगी। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि 150 MCQ पूछे जाएंगे, 75 करना है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपडेट हो गई थी। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और मीटिंग बैठाएंगे और उसके बाद से हम जो एग्ज़ाम के डेट शीट जारी किए हैं उसमें हम कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है। भैया ये क्या 100% सही न्यूज़ है? न्यूज़ तो 100% सही है कि आपके एग्ज़ाम डेट शीट बदलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या डेट बदलेंगे कि सब्जेक्ट बदलेंगे? उन्होंने बस बोला रिवाइज कर देंगे, अब किस तरीके से रिवाइज करेंगे अभी ये पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही वो कोई अपडेट देते हैं या यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम टलना तय है, मतलब पोस्टपोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन एक काम करिएगा, आप पढ़ाई आज से करना शुरू कर दिए, बहुत लोग आज प्रीमियम कोर्स इनरोल किए और बहुत अच्छा लगा, लगभग सेमेस्टर 2 में अधिक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं प्रीमियम कोर्सेस, और मैं उनके साथ वैसा ही कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रीमियम कोर्सेस में जो स्टूडेंट बीकॉम का जनरली हम प्रीमियम बैचेस देते हैं, ठीक है, तो हम उसमें ई नोट से लेके, मतलब बच्चे को शुरू से लेके अंतिम तक की कहानियाँ पढ़ा देते हैं कि आखिर तुम्हें परीक्षा में बस इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने नंबर तुम्हारे आ जाएंगे और तुम्हें फेल नहीं होना किसी भी पे। तो बच्चों अगर आपको हमारे ई कंटेंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400122996 पर व्हाट्सएप करेंगे, ऑटोमेटिक आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे बीकॉम के ई नोट्स इनरोल कर सकते हैं जो भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं, और चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको कभी झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, मैं हर चीज़ आपको पता करके आता हूँ यूनिवर्सिटी से तभी बताता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जानकारी आपके पक्ष में होगी, और मैं भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट किया हूँ कि कम से कम सर 10 से 12 दिन का समय तो दे ही दीजिए बच्चों को, ठीक है, 12 सितंबर के बाद से करा लीजिए, अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी तैयारी करना संभव नहीं है। तो परेशान ना होइएगा, वेट करिएगा, जैसे ही कोई भी चेंज आता है, डेट शीट में कुछ बदलाव होते हैं तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो बच्चों उन्होंने बस बोला है रिवाइज करेंगे, हो सके कहीं सब्जेक्ट छूटा इसलिए रिवाइज करें या डेट शीट बदलें, लेकिन कई लोग, बहुत लोग आपत्ति कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि डेट शीट बदलिए बदलिए, ठीक है। तो बच्चों डेट शीट बदलने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा, पढ़ाई करेंगे तभी, मैंने पहले भी बता दिया कि पेपर का जो लेवल होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है। तो पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा, पढ़ाई में पढ़ाई को बिल्कुल मतलब रेगुलर करते रहिए, क्योंकि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको अंदर से कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा तभी आप MCQ कर पाओगे ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट होंगे अगर प्रीमियम कोर्सेस इनरोल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।